जी बिसमी अल्लाम अब्रोहान वेलकम टू द फाइनल लेक्चर अलहमद ऑफ दिस कोर्स अल्लाह का जी शुक्र है हमने टाइमली कोर्स के तमाम लेक्चर इन आज हम कंप्लीट कर लेंगे uh, कोई लेक्चर हमारा किसी किसी वजह से मिस भी नहीं हुआ और आप सब लोगों ने जी बड़ा कोपरेट किया है थैंक यू फॉर देट कुछ लोग बड़े रेगुलर हैं जी स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑल ऑफ ऑफ़ यू जो बड़े रेगुलर तरीके से जिन्होंने तमाम लेक्चर्स को ज्वाइन किया ओके हम आज वैसे हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसरिंग जो कि एक्चुअली माय एरिया ऑफ रिसर्च है मैं जरा लाइट सा ही रखूंगा आज का लेक्चर नॉन टेक्निकल चीजें इसमें बहुत कम होंगी कोशिश करेंगे हम ये अपना लेक्चर जो है मगरिब की नमाज से पहले पहले कंप्लीट कर लें और पर उसके बाद शायद हम ज्वाइन ना करें क्योंकि आई थिंक सात बज के पाँच मिनट पर आपका आज क्विज भी ड्यू है तो मेरे ख्याल में मैं छः एक बजे तक हम इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे और छः से सात तक आप ब्रेक ले लें एंड थोड़ी सी आपकी फ़ीडबैक की भी ज़रूरत रहेगी और इन कोशिश करेंगे कि कोई पौने छः साढ़े पाँच बजे जैसे ही हमें टाइम मिलता है तो आपसे थोड़ी सी इनफॉर्मल सी गपशप लगा दी जाए जी लास्ट आई थिंक लास्ट लेक्चर में हम रिकॉर्ड न्यूरो नेटवर्कस को हमने बड़ी डिटेल में देखा था विद डिफ़रेंट एग्जाम्पल्स Uh, बल्कि uh, नहीं यस रिकरेंट न्यूरो नेटवर्क से था मेरे ख्याल में अच्छा मैंने ये जो कॉन्टेंट है क्वेश्चन uh, आंसरिंग का ये भी मैंने पोस्ट कर दिया था तो आई होप uh, आपने आप में से किसी ने शायद इसको ब्राउज किया हो जी एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड नो सर जी तो स्टार्ट करें जी मैंने वैसे टेंडर्स का क्वेश्चन पोस्ट कर दिया तो काइंडली आप उसे रिप्लाई कर दीजिएगा जी सर स्टार्ट करें जी माशाल्लाह जी अटेंडेंस में बड़े एक्टिव हैं जी लोग नाइन हो गए हैं अब तक टर्न इन और उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं शायद जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया मैं चलें कोई बात जी तो और आई right, जी वट इस जी मैंने आपसे बेटा स्क्रीन शेयर की भी आप देख सकते हैं यस सर विजिबल है जी ओके yes, सो लेट्स लेट्स टॉक अबाउट वट इज क्वेश्चन एंड मेरा वैसे शुरू से ही बड़ा इंटरेस्ट था इस टॉपिक में उसकी वजह ये है कि uh, मैं हमेशा से ये जो कॉन्वर्सेशनल uh, एजेंट्स हैं जैसे गूगल नाव है ऐप्पल uh, का या आई फोन सीरी है इसी तरह माइक्सॉफ्ट कोठाना है अमेजोन एलेक्सा है ये जो एजेंट्स हैं uh, जो वर्बली जिनको आप जिनको आप वर्बली क्वेश्चन पूछें और वो जो हैं वो आपको ज़ाहिर है वॉइस ड्रिवन एजेंट्स हैं तो वो आपको ना सिर्फ रिप्लाई करते हैं बल्कि मेरे लिए असल में ये बात थी कि ये अंडरस्टैंड कैसे करते हैं कि आपने क्या पूछा है इनसे और उसके क्वेश्चन का पर्टिकुलरली वो आंसर ढूंढ के लाना और वो आंसर भी वो हो जो कि उस क्वेश्चन को जिसे कहते हैं फुली आंसर करे तो मेरे लिए शुरू से बड़ा इंटरेस्टिंग ये ये एरिया रहा है आई डोंट नो आप से किसी ने कभी ऐसा सोचा है कि नहीं इन चीज़ों के बारे में तो आई वाज लकी इनफ़ के जब मैंने एडमिशन लिया था पीएचडी में तो आ, मेरे जो अभी सुपरवाइज़र उन्होंने आ, ये एरिया कहा था कि जी इसमें काम होने वाला है तो मैंने फिर बगैर किसी जिसे कहते हैं ना टाइम लिए मैंने कहा सर मैं इस एरिए में मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाह रहा हूँ तो लेट सी नाउ ये वैसे बाय द वे आई थिंक दिस इज चैप्टर ट्वेंटी बुक जो बेटा आपसे बुक शेयर की गई है तो लेट्स इट्स हिस्ट्री एंड देन हम बात करेंगे कुछ uh, के इसको कि, किया कैसे जाता है दिस इज वन ऑफ ओल्डेस्ट टास्क जैसे पंच काट सिस्टम और ये जो इसका रेफरेंस है अगर ये 1964 का एक पेपर है नोट कीजिएगा तो ये जैसे वट डू वर्म ईट तो उसको बेसिकली इन्होंने ब्रेक इस तरह से किया हुआ था ये उस वक्त की कहानी है जब जो कंप्यूटर्स थे वो पंच कार्ड सिस्टम थे किसी को आइडिया है <coughs> आप कहेंगे जी बहुत पुरानी बातें हैं हम तो 1980 और 1990 की जो हैं वो अः जो हैं वो मॉडल्स हैं हम सब तो हमें क्या पता हो नाइनटीन में क्या होता रहा है दुनिया में क्यों जी सर yes, ये पंच कार्ड जो है ये आई थिंक इंफॉर्मेशन को जो है ना वो पंच करने के लिए मतलब मशीन में जैसे वो जो था फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स जिसने बनाया था ना वो जो ऑपरेशन मशीन जो थी वो दो ऑपरेशन परफॉर्म करती थी आई थिंक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो ये उससे कुछ नेक्स्ट तो शायद जनरेशन में कुछ हुआ था काम पंच कार्ड का तो इन्फॉर्मेशन को ना कंप्यूटर में यानी कि सिस्टम या मशीन के अंदर पंच करने के लिए यूज होता था फीड करने के लिए इनपुट देने के लिए यस yes, सर जी और जो इनपुट दिए थे वो बड़े कार्ड्स होते थे और इस इसपे खास तरीके से वो पंच किए जाते थे यानी पंच कार्ड जो है इसका मतलब है उसके अंदर होल्स किए जाते थे और मशीन जो है उनको रीड करती थी और वो जो है बड़े जिसे कहते हैं ना बड़े खास मीनिंग होता था पंच का तो चले आ, वो दौर की बात है जी और नोट कीजिएगा कि उसको आ, ब्रेक किस तरह से किया गया है कि इस क्वेश्चन में जो है वो मेनली किस चीज के बारे में बात हो रही है या ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है कि क्वेश्चन किस चीज के बारे में है तो वर्म्स वर्म्स ईट ग्रास जो है वर्म्स ईट ग्रास इस तरह से हॉर्से विद वर्म्स ईट ग्रैस तो नोट कीजिएगा वर्म्स विद हॉर्स ग्रास ईट होर्स ये देखें इस तरीके से अः जो है वो इंफॉर्मेशन को ब्रेक किया जा रहा है उस दौर में आज तो खैर डिफरेंट जो है वो काफी डिफरेंट चीजें आ चुकी हैं इसी तरह से बर्ड्स तो नोट कीजिएगा एंड ग्रास इज ईटन बाई वर्म्स तो वही है कि इसके अंदर से ये बात निकालनी कि ये देखे ना पोटेंशियल एंसर्स ये हैं सारे ना ये क्वेश्चन था हमारा मेन और हमारे पास इसके पोटेंशियल वन टू थ्री एंड फोर तो हमने इसमें से ये फाइंड करना है कि विच इज द क्लोजेस्ट टू द एंड टू द क्वेश्चन एक्चुअली तो कौन सा ऐसा है जिसमें जो के सही जो है वो आंसर देता है इसका आंसर बाय द वे इनमें से चारों में से कौन सा आंसर आपके ख्याल में ठीक है जी क्लास व्हाट डू वर्म्स ईट तो पहले वर्म्स ईट ग्रास हॉर्सेस विद वर्म्स ईट ग्रास बर्ड्स ईट वर्म्स ग्रास इज ईटन वर्म्स हाँ जी क्या ख्याल है सर आई थिंक थर्ड वाला जो है ना वो ठीक है बर्ड्स ईट वर्म्स नहीं क्वेश्चन आपका है व्हाट डू वर्म्स ईट और बर्ड का तो जिक्र ही नहीं है फर्स्ट वन होगा सर। फर्स्ट वन फर्स्ट वन भी ठीक है और फोर्थ वन भी ठीक है नोट करें उसमें से आपको निकालना पड़ेगा कि इस में से आप उसको आंसर कैसे देंगे बट दिस इज वन जिसे कहते हैं ये फैक्टोइड क्वेश्चन कहलाते हैं इन इन क्वेश्चन को कहते हैं फैक्टोइड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जो फैक्ट्स के बारे में होते हैं जो फैक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं Maybe वो कोई नेम को ढूंढ रही, कोई, को रही कोई प्लेस का नाम ढूंढ रहे हो तो ऐसे आपको तो okay, so आप याद हो आई बी एम वॉटसन जो है एक बड़ा जबरदस्त कंप्यूटर है कभी इतफाक हुआ जी किसी को रीड करने का आई बी एम वाटसन इसने जैपटी कॉम्पिटिशन जीता था इलेवन में Idea, what is Jeopardy? Uh, ko? yes, sir, you have already told about this. It's a show, basically. अच्छा जी ये शो है ओके शो में क्या होता है जी आपने शो कह के जो है ना उसका न, मैं क्या कहूँ हाँ जी इसकी एग्जांपल भी दे दी गई है ये जनाब जनाबी का कंपटीशन जो है ये बहुत ही फेमस है बहुत ही फेमस जिसे कहते हैं एक शो है यूएस टेलीविजन पे चलता है जिसके अंदर क्वेश्चन होते हैं और लोग जो हैं ह्यूमन एक्चुअली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आप ज, जिसे कहते हैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर करते जाएँ तो आप अगली स्टेज में पहुंचे जाते हैं अल्टीमेटली अगर आप आखिरी स्टेज में आके अगर आप विन कर जाते हैं कॉम्पिटिशन तो अच्छी खासी प्राइज बनी है जी इसकी आ, वो मिलती है तो आई ने क्या किया था कि आई ने एक कंप्यूटर बनाया था जी इसके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था उसको वो एन एल पी टास्क के लिए अभी भी जिसे कहते हैं ना बड़ी खतरनाक चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड वाटसन तो वाटसन साहब जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने विन किया था ना अगर आप ये कहें ना कि ये मैं मैंने जो है वर्ड डू वर्म जीट इस तरह के जो जिसे कहते हैं ना आसान आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते इधर मसलन एक पॉसिबल क्वेश्चन जो इसमें जिसकी आई थिंक जिसके बेसिस पर शायद इसने विन भी किया था और जिसका आंसर इसने ठीक दिया था इस कंप्यूटर ने वो आपके सामने ये लिखा हुआ है जरा इसको एक दफा पढ़ सकते हैं खुद खुद पढ़िएगा आपने मतलब देखिएगा आपको क्या कुछ आ, ये समझ आता है कि क्या पूछा गया असल में ना इस क्वेश्चन में दिस ऑथर्स मोस्ट फेमस नॉवल की बात हुई है ऑथर नेम ढूंढा जा रहा है और वो ऑथर ऐसा ढूंढा जा रहा है कि जिसका काम इंस्पायर हुए एक और ऑथर से वो विलियम विलियमसन है और ये जो उनका जो नाम दिया गया है, ये बड़ा खौफनाक सा आ, किसी नॉवल का उनका इससे वो बड़े इंस्पायर्ड थे जी और पूछा जा रहा है जी वो कौन बंदा है जी आंसर इज ब्रैम स्टॉकर नाउ रिमेंबर दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इनफैक्ट अगर ये हमारे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो ये मशीन के लिए किस तरह से आसान होगा तो दिस ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन और रिमेम्बर के जैपटी के अंदर मोस्टली क्वेश्चन इसी नेचर के आते हैं सो so अब आप कहेंगे जी लो जी ये कौन सी बड़ी बात है तो वाटसन जो है उसको गूगल से लिंक कर दें ठीक है गूगल के ऊपर जनाब ये जो चीजें फेंकनी शुरू कर दें और गूगल जो है बड़े आराम से इसका जवाब देगा अगर आप ऐसा समझ रहे हैं ना तो योर आर यू आर रॉन्ग क्योंकि हो सकता है कि अगर आप इसको फेंकें गूगल पे तो गूगल साहब आपको ऐसे ऐसी चीजें रिटर्न करें जिनमें से आप जवाब नहीं ढूंढ सकते हैं तो द थिंग इज कि इस डिफिकल्ट टाइप ऑफ जिसे कहते हैं सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना इसके अंदर से चीज निकालनी कि किस चीज के बारे में है क्या ये क्वेश्चन बेसिकली मांग क्या रहा है क्या कोई पर्सन नेम मांग रहा है कोई को किसी इवेंट का नाम मांग रहा है कोई डेट मांग रहा है क्या है तो दिस वॉज अ वेरी बिग चैलेंज तो आई बी एम का जो वाटसन है उसने बड़े जबरदस्त तरीके से आ, ये, ये जो कॉम्पिटिशन ये विन किया था तो आजकल बाई द वे अगर आप में से किसी को शायद पता हो तो वाटसन इस वक्त जो है वो दुनिया का जो सबसे बड़ा अमेरिका में जो कैंसर रिसर्च है ना कैंसर रिसर्च तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है मुझे नाम नहीं आ रहा उसका तो खैर उसमें वो जो बहुत दुनिया के लीडिंग साइंटिस्ट हैं जो कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं उनकी जनाब हेल्प करते हैं वाटसन साहब ये कंप्यूटर साहब जो है वो इस तरह से कि इनको डेटा दिया जाता है पेशेंट्स का तो ये डेटा को एनालाइज करके तो जो जिसे कहते हैं, जी हैं, जी बेटा मेरी आवाज सुन रहे सर, ओके, सर। okay, तो ये डेटा को एनालाइज करके पेशेंट्स का डे, डेटा है जिसमें एक्सरे भी हो सकते हैं जिसमें और टेस्ट भी हो सकते हैं और ये बता देते हैं कि इनकी डायग्नोसिस क्या है Uh, यानी कैंसर है नहीं है अगर है किस स्टेज का है क्या है क्या नहीं है और वो मोस्टली जो आई बी एम की जो डायग्नोसिस इस वक्त वहां पर जो टॉप दुनिया के डॉक्टर्स हैं उनके बराबर है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है खैर खैर ओके okay, ये ये है जी को थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताई जा रही है कि मशीन्स भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं क्वेश्चन आंसरिंग में और uh, इसी तरह से ये वेरी फेमस अगर आप में से किसी के पास आईफोन है तो आई एम श्योर sure उन्होंने ये डेफिनेटली यूज किया होगा क्यों जी दिस इज़ योर क्वेश्चन जो आपने बोला है और दिस इज दी आंसर जो श्री ने रिटर्न किया है और प्लस द आंसर श्री ने साथ में मे बी वो फोरकास्ट जो भी है आ, वो भी रिटर्न कर दिए और आपको दिखा दिए दिए देखें जी मेरे पास ये डेटा है और इसकी बेसिस पे ये सें फ्रसको शुड गेट रेंज टमोरो कि वो कह रहे हैं मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ आपको ये याहू का ही नोट कीजिएगा वो वेदर है जी और एक और चीज है गौर से जरा क्वेश्चन पढ़िएगा डू आई नीड एन अम्ब्रेला रिमर इन सैन फ्रांसिस्को यहां पर मुझे ये बताओ कि रेन का जिक्र है कहीं पे क्यों जी वालों जागो जी ये बताइएगा जो ऊपर सेंटेंस है जो पूछा गया उसमें कहीं रेन का जिक्र है दो सर तो कंप्यूटर को कैसे पता चल गया अम्ब्रेला का मतलब है रेन है क्या ख्याल है अगर आपसे कहा जाए कि कोई मतलब मैं आपसे कहूँ जी कि कल क्या मुझे बाहर छतरी लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इसका मतलब क्या होगा इस जुमले का सर के कल बारिश होगी या नहीं आपने छतरी से अखस कर लिया जी आपने ये क्यों नहीं कहा कि छतरी का मतलब है कि धूप होगी कि नहीं हो सकता मैं धूप से बचने के लिए छतरी का यूज करने की कोशिश करूं आपसे क्यों जी yes, यस सर भी पॉसिबिलिटी है लेकिन आपने कहा जी ये बारिश होगी और सीरी भी कह रही है बारिश होगी क्यों जी तो नोट कीजिएगा ये जो सेंटेंस है इसके अंदर से ये चीज जानने की कोशिश करना कि दरअसल चीज के बारे में पूछा जा रहा है दिस इज वन ऑफ द मेन चैलेंजेस इन क्वेश्चन को दे रहे हैं कि वो, आ, से उस, कि, बेसिस पे वो आंसर ढूंढ सकती है इस किस्म का क्वेश्चन जिसमें रेन का जिक्र नहीं है और ये कहना कि मशीन इसके बारे में रेन की इंफॉर्मेशन की फोरकास्ट हमें दे दे दिस इज ब्रिलियंट ठीक है एंड uh, यही जनाब आजकल जो है वो आप देखेंगे कि हर जगह पे ये काम जो है बहुत ज्यादा इन है ये वो फ्राम एल्फा है शायद आपने में से किसी ने यूज किया वेरी वेरी फेमस सर्च इंजन और uh, ये इसकी जो स्पेशलाइजेशन है ये uh, बड़ी जबरदस्त चीज़ों में जी ये इसकी सर्च जो हैं वो बड़ी हाईली स्पेशलाइज हैं खास तौर पर मैथामेटिकल जो फील्ड है उसके अंदर ये बड़ा जबरदस्त है तो हाउ मेनी कैलोरीज आर इन टू स्लाइसिस ऑफ बनाना क्रीम फाय चेक करें क्वेश्चन तो ये जरा गौर से देखना जरा इसने इसको कन्वर्ट किया है ये जरा गौर से यहां देखिएगा जरा इसने जज किया पाई की बात हो रही है अमाउंट इसने जज किया टू स्लाइसिस की बात है टाइप इसने कहा बनाना क्रीम है और फिर इसने आइडेंटिफाई किया है कि ये इंफॉर्मेशन मुझसे पूछी जा रही है और नोट कीजिएगा कि उसने भी है. कोई है, कोई इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है जी आपका इस काम में या फजूल में जी मैं अपने आप से बातें करूं? रहा हूं जैसे हर लेक्चर में उतर है ओके सो टाइप्स ऑफ फैक्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया फैक्ट क्वेश्चन वो होते हैं Uh joke For example, who wrote the Universal Declaration of Human Rights? Wow. Kisi ko ji? Ji? Anyone? Ji. How many calories are there in two slices of apple pie? What is the average age of the onset of autism And what is the Apple computer based? Where is Apple Computer based? Chalo ye किसी को पता है जी एप्पल कंप्यूटर का हेड किधर है या बिल्डिंग किधर है अच्छा चलें कोई बात नहीं आगे चलते हैं जी सो so, इसी तरह के ये तो बड़े आसान से सवाल हैं नैरेटिव जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो नोट कीजिएगा चिल्ड्रन विद एन एक्यूट फेब्राइल इलनेस व्हाट इज द एफिकेसी ऑफ दिस मे बी दिस द नेम ऑफ सम ड्रग इन रिड्यूसिंग फीवर तो दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड एक्चुअली

NLP क्लास नो सर आइडिया नहीं है कोई आइडिया नहीं है जी अच्छा ये पेरिस में है आई होप पेरिस का तो पता होगा ना पेरिस किधर है क्यों जी यस ओके गुड वो आगे लिखा है बाय द वे ये वाओ आगे लिखा हुआ है ये क्या बात है जी अच्छा लूफ की जो शोहरत है वो ये है कि लूफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो बड़ी जबरदस्त हैं मसलन बड़ी फेमस पेंटिंग है आपने शायद नाम सुना हो लियोनादो विंची का पेंटर का नाम सुना हो उसकी फेमस बहुत ही वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है द मोनालिसा तो मोनालिसा जो है वो पेंटिंग भी लूव में पड़ी हुई है तो अभी मैं कल एक ऑक्शन देख रहा था उस इसी का लियोनादो विंची का एक और पेंटिंग थी जिसको रिस्टोर किया गया है थोड़ा सा वो वक्त के साथ साथ वो, और जो बता रहे थे कि जी कि वो तीन बादशाह हैं जिनके वो महल में वो पेंटिंग लगी रही है और उसका अभी रिसेंटली ऑक्शन हुआ है वो एक पेंटिंग यू वोट बिलीव वो कितने में जो है वो बिकी होगी जो उसके बिड लगी है आ, मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो स्टार्टिंग किया था ना उन्होंने स्टार्ट किया था जो बिडिंग का प्रोसेस था वो हंड्रेड मिलियन डॉलर से शुरू हुई थी उसके ऊपर बिडिंग और पता है कहाँ रुकी थी ये जा किसको कोई पूछना चाहे किसी का इंटरेस्ट है जी इसमें मैं पेंटिंग की बात कर रहा हूँ जो कि 1500 कुछ में पेंट हुई थी जी वो उसकी फाइनल जो बेड है ना जिसपे वो स, आ, बिकी है आधा बिलियन डॉलर पे बिकी है पेंटिंग एक 450 million US dollars. So, what is the abbreviation of for limited partnership? Yeah, they can answer. They can do what are the names of Ordin's Raven? Yeah, Where what is the currency is used in China, Yuan? What kind of nuts are used in Marzipan? What instrument does Max Roach play drums? And what is the telephone number for Stanford University? Ye तो दीज आर सम दीज आर मेनली फैक्टो आप देख सकते हैं आप ले, कोई पूछी लोकेशन पूछी जा रही है नोट कीजिएगा पूछा जा रहा है नेम्स पूछे जा रहे हैं मे बी कोई नंबर पूछा जा रहा है कोई डेट मांगी जा रही है एंड सो ऑन तो अब टेक्निक्स क्या यूज होती हैं क्वेश्चन आंसरिंग के अंदर पैराडाइम्स तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बेस्ड अप्रोचेज हैं आई आर स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ओके जैसे ट्रैक है ये अगैन बहुत फेमस एक जिसे कहते हैं कंपटीशन होता है यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के ऊपर के आप प्रपोज करें कि जिसकी जिसकी कहते हैं एफिशिएंसी सबसे फास्ट हो चीजों को ढूंढने की तो आईबीएम वाटसन है इस तरह गूगल सर्च इंजन है आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट बिंग है इसके अलावा जो है ये तो सीधे सीधा आई, आई बेस्ड है लेकिन आई, आई बेस्ड का कर... आज जो टेक्निक्स हैं वो नॉलेज बेस्ड या हाइब्रिड बेस्ड हैं

तो आप देखोगे कि आजकल जो गूगल की कोशिश होती है कि सबसे पहले लिंक विकीपीडिया का वो जो है वो नॉर्मली जो है वो बता रहा होता है तो यहाँ पर हु मून इन जो दिखा हुआ है बेसिकली दिस दिस वाज दीज आर दू तो नेम्स जो कि इस क्वेश्चन के अगेंस्ट मांगे जा रहे हैं जी कोई क्वेश्चन किसी का है कोई कॉमेंट है तो प्लीज मुझे बता दे वरना मैं तो लगता है कि अपने आप से बातें कर रहा हूँ आज है जी स्टूडेंट्स जी जी इधर ही हैं अच्छा सर सुन रहे हैं चलें ठीक है जी इज़ द लूव म्यूजियम लोकेटेड द बेस्ट गेस नोट कीजिएगा सबसे पहले मत बता दिया उसने और वही बात आगे नीचे के विकिपीडिया का जो आर्टिकल है ये उसमें भी लिखा आ रहा है आप देख सकते हैं लोकेशन विद इन पैरिस में आ, ये म्यूजियम जो है ये अब वैसे आज अगर आप गूगल की जरूर कीजिएगा इसकी पिक्चर जरूर देखिएगा लूफ की तो बड़ा जबरदस्त बड़ा ही शानदार म्यूजियम बना हुआ इसकी जो उन्होंने बनाई हुई है ना रूफ पे वो जो पिरामिड ग्लासेस के साथ पिरामिड्स बनाए हुए बड़े जबरदस्त खैर Okay, so ढूंढा कैसे जाता है सो so ज़ाहिर है हमने ये किया जी क्वेश्चन आप जो आगे सिस्टम है जैसे गूगल सर्च इंजन है वो करेगा क्या सबसे पहले जनाब जो पहले याद रखें जो होता है वो क्वेश्चन प्रोसेसिंग होती है क्वेश्चन प्रोसेसिंग के अंदर दो चीजें होती हैं क्वारी फॉर्मुलेशन होती है और एक एंसर टाइप डिटेक्शन होती है क्वारी फार्मुलेशन से मुराद ये है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी एक ख़ास शक्ल में उसको चेंज करना और क्वेश्चन के अंदर जो इनरेलीवेंट टर्म्स हैं उनको निकाल देना मे बी उनको टोकनाइज करना मे बी उनकी स्टेमिंग करना वो सारी चीजें कि जिसके बाद हमें ये पता चल जाए कि क्वेश्चन एक्चुअली किस चीज़ के बारे में है और सेकंड इसमें ये भी बात जानने की कोशिश की जाएगी कि जो क्वेश्चन है वो ढूंढ क्या रहा है क्या वो कोई नेम ढूंढ रहा है क्या वो कोई डेट ढूंढ रहा है क्या वो कोई प्लेस का नाम ढूंढ रहा है वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो मांग रहा है दैट इज एंसर टाइप डिटेक्शन अच्छा जाहिर है ये जब हमें पता चल गया जब सिस्टम ने बना ली ये चीज़ तो ख्वाइरी अब हमारी तैयार हो गई है ख्वरी अब भेजी जाएगी जी डॉक्यूमेंट रिट्रीवल ज़ाहिर है हमारे पास बहुत जिसे कहते हैं बहुत जखीरा होगा डॉक्यूमेंट्स का वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मे बी ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये वेब पे पड़े हों ये विकीपीडिया हो ये, ये कोई डेटा हो ये कुछ भी हो सकता है ये कोई वेब पेजेस भी हो सकते हैं ये कोई विकीज भी हो सकते हैं तो अब होगा क्या कि यहाँ इन तमाम जो पेजेस हैं इनको इंडेक्स किया जाएगा इंडेक्सिंग ये होती है कि आप जैसे कोई डेटा बेस में कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो इंडेक्सिंग भी वैसी है जैसे आपका आईडी है उसके अगेंस्ट लाइट से मैं आपका नेम स्टोर कर दूं तो मुझे इसका फायदा क्या है कि मैं सर्च कर सकता हूं बेस्ड ऑन योर आईडी बड़ी फास्ट सर्च होगी ये आईडी दूं तो ये नाम आ जाएगा ये आईडी दूं तो ये नाम एंड सोन so तो मैंने क्या किया हुआ है मैंने इंडेक्स लगाया हुआ है आई के ऊपर उसी तरह से बेटा ये जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इनके अंदर से वर्ड्स जो निकलेंगे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनके हिसाब से जो सिस्टम है इनको इंडेक्स कर देगा ताकि फास्ट सर्च हो सके ये हमें कलेक्शन अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पर यह है डॉक्यूमेंट रिट्रीबल जिसने अब ये करना है कि उसने इस क्वेरी को पकड़ना है जिसमें बता दिया गया कि आंसर किस तरह का होगा और उसने अब डॉक्यूमेंट के जो जो हमारे पास डिपॉजिट हो रही है जो बहुत बड़ी डेटाबेस है इसके अंदर से उसने निकालने की कोशिश करनी है कि इसका आंसर किस पेज में किस डॉक्यूमेंट में हो सकता है और ये हमें नोट कीजिएगा कोई एक या एक से ज्यादा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा अब है क्या अब चैलेंज अगला आ गया अब हमें कुछ लाइट से कुछ चंद एक डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं जिसमें पॉसिबल है कि आंसर अवेलेबल हो लेकिन आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी शक्ल होती है पैसेजेस के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं उसके अंदर अब अगला चैलेंज ये है कि तमाम जो ये डॉक्यूमेंट जो हमें मिले हैं इनके अंदर से हमने अब रिक्वायर्ड पैसेज निकालना है वो वाला पैराग्राफ जिसके अंदर आंसर मौजूद हो सकता है ठीक है उसके लिए नोट कीजिएगा कि पैसेज रिट्रीवल का एक प्रोसेस लगेगा और कैंडिडेट पैसेजेस वो हमें रिटर्न कर देगा ये नोट कीजिएगा कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स हैं यानी ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आंसर अवेलेबल हो सकता है अब हमने एक लेवल और उस पर उसको समझ लीजिए स्केल डाउन कर दिया और हमने अब कैंडिडेट पैसेज़ेस जो हैं वो रिटर्न करवा लिए कैंडिडेट पैसेज़ेस जैसे ही आएंगे उसके बाद जनाब अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि हम कैंडिडेट सेंटेंसेस यहाँ से लेंगे तो हमें दरअसल अब पैसेज के अलावा अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस सेंटेंस में जो है वो आंसर अवेलेबल हो सकता है और वो आंसर जो हैं वो सेंटेंसेस जो हैं है, 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 जाहिर है वो ये एक आंसर प्रोसेसिंग जो है वो उसमें जाएंगे इस प्रोसेस में और यहाँ से वो एग्जैक्टली exactly वो वाले सेंटेंस या वो वाले मे बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस या कोई नाम या कोई डेट जो भी है वो हमें जो है वो रिटर्न कर दे सो दिस इज जनरली स्पीकिंग द आर्किटेक्चर ऑफ एन आई आर बेस्ड क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम ठीक है काफ़ी आसान सी चीज़ है सीधी सीधी चीजें इसमें, इसमें इस्तेमाल हो रही हैं क्या ख्याल है तो इसकी जो डिटेल है वो यही है जो मैंने बेटा आप ये आपको बताई है क्वेश्चन प्रोसेसिंग के अंदर डिटेक्ट क्वेश्चन टाइप टाइप आंसर फोकस रिलेशन फॉर्मुलेट क्वारीज सर्च इंजन ज़ाहिर है जब हमें ये पता चल गया कि इसमें से हम जानना क्या चाह रहे हैं तो फिर हम एक सर्च इंजन की जिसे कहते हैं सर्च इंजन जिसको बेहतरीन तरीके में प्रोसेस कर सकता है उस शक्ल में अपने क्वेश्चन को चेंज करके उसको सेंड करें उसके बाद नो, नोट कीजिएगा यहाँ पर वो पैसेज रिट्रेबल की बात हुई हुई है तो रिट्रीव जो है वो रैंक जो डॉक्यूमेंट्स हमें वापस आएंगे हम उनकी रैंकिंग करेंगे यानी हम ये बताएंगे कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा जिसमें आंसर है दूसरे नंबर पे कौन सा है जिसमें आंसर है तीसरे नंबर पे कौन सा एंड सो ऑन और फिर हम उन्हें क्या करेंगे पैसेज में पैसेज में जी आप जो उन्हें ब्रेक करके और पैसेजेस को री रैंक करेंगे यानी हम ये बताएंगे अब इस पैसेज में आंसर हो सकता है दूसरे नंबर पे इसमें हो सकता है तीसरे नंबर पे इसमें हो सकता है एंड सो ऑन फाइनली हम उन्हें सेंटेंसिस में ब्रेक करेंगे फिर हम Uh, जो जो कैंडिडेट सेंटेंसेस हैं उनको जनाब हम वहाँ से रिट्रीव करवाएंगे उनकी रैंकिंग करेंगे नोट की जगह रैंक कैंडिडेट्स अगेन और उनमें से फिर हम जिसे कहते हैं आ, जो जो करेक्ट आंसर है उसको जनाब हम फाइंड कर लेंगे तो दिस इज जनरली स्पीकिंग एन आई आर बेस्ड फैक्ट क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम का जो आर्किटेक्चर वो ये है जो नॉलेज बेस्ड अप्रोचेज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट चलती हैं वो ये है कि वो क्योंकि नॉलेज डिपेंडेंट होती हैं तो वो ये करेंगी कि जो क्वेश्चन हमसे करेंगे उसकी एक सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें उसको चेंज कर देती हैं जिसके अंदर टाइम्स डेट्स लोकेशनिक क्वान्टिटीज वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन जो ढूंढी ढूंढी जा रही है इनमें से उसकी वो सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें उसको चेंज कर देती है देन दे मैप फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर डेटा और रिसोर्सेज जैसे वो ऐसे इस इन्फॉर्मेशन जिसको उन्होंने चेंज किया है अब वो स्ट्रक्चर uh, जो भी हैं जैसे ये कोई डेटा बेसिस हो सकती हैं ऑनथोलॉजीज विकीपीडिया है डी बी पी डी है वर्ल्ड नेट है एंड रेस्ट्रीव्यू रिसोर्स रिजर्वेशन सर्विस वगैरह वगैरह तो बेसिकली दे कैन एक्सेस दीज अवेलेबल रिसोर्सिस एंड दे कैन फाइंड आउट दें ठीक है तो ये मोस्टली आजकल जितने भी कॉन्वर्सेशनल एजेंट्स हैं Uh, जैसे ये सीरी है तकरीबन इसी अप्रोच पे ही uh, ये जो क्वेश्चन हंटिंग है एंड सॉरी आंसर हंटिंग है इसको कर रहे हैं में दोनों अप्रोचेस आईआर प्लस नॉलेज बेस्ड तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें द बेस्ट फीचर्स ऑफ आईआर एंड द बेस्ट फीचर्स ऑफ केबी नॉलेज बेस्ड तो वी गेट दिस हाइब्रिड अप्रोचेस जैसे आई जो वॉटसन है that's, that's जो कि इस तरह से करता है तो ये एक शैलो सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्वायरी करता है उतनी डिटेल में नहीं करता जितनी डिटेल में एक सिंपल नॉलेज बेस सिस्टम करता है तो वही बात आगे गई कि जनरेट आंसर कैंडिडेट्स यूजिंग आईआर मेथड्स एंड देन उसको करने के लिए वो उसको ऑगमेंट कर देता है विद ऑन्टोलॉजीज एंड समास्ट्रक्चर डेटा एंड देन ये कंबाइन कर देता है इन दोनों मॉडल्स को तो बात वही आ गई कि आई की बेस्ट चीजें प्लस नॉलेज बेस की वो चीज जिसकी बेसिस पर कैंडिडेट जो जो जिसे कहते हैं पैसेजेस हैं या कैंडिडेट जो सेंटेंसेस हैं वो जल्दी एफिशिएंटली फाइंड किए जा सकें तो अगेन ये भी इसी किस्म की रिसोर्स को जिसे कहते हैं नॉलेज रिसोर्स को यूज करके तो कैंडिडेट जिसे कहते हैं आंसर्स जो है वो रिटर्न कर सकता है तो दिस इज हाइब्रिड अप्रोच तो इसकी एग्जांपल आपके सामने है तो ये अभी तक हमने ये तो कोशिश की है जानने की व्हाट इज क्वेश्चन आंसरिंग नॉलेट सी व्हाट वट बी द आंसर टाइप्स एंड क्वारी फॉर्मूलेशन जैसे कि ये थोड़ी देर पहले ये काफ़ी डिटेल में हमने बात कर ली है इसकी तो ये किस तरह से जो एक सिंपल आई आर बेस्ड रिट्रीवल प्रोसेस है वो किस तरह से जो है वो रन होता है या रिट्रीव करता है आंसर तो क्वेश्चन प्रोसेसिंग उसके अंदर क्या होता है कि थिंग्स टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्वेश्चन जिसके बेसिस पर आंसर को ढूंढना आसान हो जाए तो सबसे पहले जी आंसर टाइप डिटेक्शन डिसाइड द टाइप वही है जो NER आपने पढ़ा था तो उसकी जो पर्सन है प्लेस है जो भी है उसको फाइंड आउट करना देन इट डज दिस क्वारी फॉर्मुलेशन तो वो क्वार की वर्ड्स जो है वो बनाएगा उस क्वेश्चन में से ताकि वो एक आईआर सिस्टम को सेंड कर सके ताकि वो सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली सर्च uh, कर सके उसके बाद क्वेश्चन टाइप की क्लासिफिकेशन की जाएगी दिस क्वेश्चन डेफिनेशन क्वेश्चन है मैथ क्वेश्चन है लिस्ट क्वेश्चन है फैक्ट क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है इवन यस नो क्वेश्चन है बोलियन जिसे कहते हैं क्वेश्चन तो वो उसकी आइडेंटिफाई किया जाएगा देन फोकस डिटेक्शन होगी कि फाइन द्वेश्चन डेटा रिप्लेस बाई दें तो वो वाले जो वर्ड्स होंगे एक्चुअली वो फोकसड जो हैं वो वर्ड्स होंगे एंड फाइनली रिलेशन एक्स्ट्रैक्शन होगी जी इसके अंदर तो वो क्या है कि जी जो एंटिटीज हैं इन द क्वेश्चन उनके दरमियान जो है वो रिलेशन uh, को फाइंड किया जाएगा ताकि ये एग्जैक्टली uh, exactly बता दिया जा बताया जा सके कि जो आंसर है एक, वो ये वाली टर्म है तो देर आर देर आर द टू स्टेट्स री एंट्रिंग इफ यूर क्रॉसिंग फ्रॉडर बॉर्डर जैसे नोट uh, कीजिएगा ये अगर एक है आ, कुछ एक स्टेटमेंट है एक सेंटेंस है तो इसके अंदर से गौर से देखिए क्या क्या चीजें डिराइव की जा सकती हैं टू स्टेट्स की बात हो सकती है कौन सी स्टेट्स हैं किसकी हैं क्योंकि फ्लोरिडा बता दिया गया है तो लिहाजा जो आंसर टाइप है वो बता दिया हमें पता चल गया कि यूएस स्टेट की बात और ये, हो रही है क्वायरी क्या होगी टू स्टेट्स जिनका बॉर्डर जो है फ्लोरिडा के साथ लगता है नॉर्थ ऑफ फ्लोरिडा भी है ये देखें नॉर्दर्न बॉर्डर की बात हो रही है फोकस किसके ऊपर है टू स्टेट्स के ऊपर है रिलेशन क्या हैं बॉर्डर्स है फ्लोरिडा का आ, किसी दूसरे स्टेट के साथ जिससे हम जिसका नाम ढूंढने की कोशिश हो रही है और तीसरा जो आर्गुमेंट है इस, इस समझिएगा ये वो है जो नॉलेज बेस की बात हो रही थी तो तीसरा जो है वो हम नॉर्थ भी हमें पता है तो बेसिकली इस पूरे जिसे कहते हैं सिमेंटिक क्वेश्चन का आंसर जो है वह ढूंढा जाएगा जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर नाम का रिलेशनशिप है फ्लोरिडा का किसी और के साथ और वो जो भी चीज जो भी स्टेट है वो फ्लोरिडा के नॉर्दर्न बॉर्डर पे है जी की स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन ओके सो नेम्ड एंटिटीज की बात हुई थी फाउंडेड वर्जिन आइलैंड्स जैसे इसमें कोई पर्सन की बात हो रही है जाहिर है इसमें किसी सिटी की बात हो रही है तो ये टाइप डिटेक्शन है जी जो ये बताता है कि हम एक्चुअली किस एंटिटी की को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो क्वेश्चन फैक्ट है तो ये बात आपने याद रखनी इसी तरह से जो एंसर टाइप है टेक्सोनिज इसकी इसकी जो है वो सिक्स ब्रॉड क्लासेज हैं जैसे यहाँ पर है आई थिंक ये स्पेलिंग मिस्टेक है एंटिटी है डिस्क्रिप्शन है ह्यूमन है है लोकेशन एन एंड है फिर इसकी फिफ्टी फाइनर क्लासेस हैं वो इस तरह से कि लोकेशन के, के अंदर सिटी हो सकता है कंट्री हो सकता है माउंटेन वगैरह वगैरह रिवर्स मे बी और भी कुछ ह्यूमन के अंदर ग्रुप की बात हो सकती है इंडिविजुअल टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन में एनिमल बॉडी कलर एक्र करेंसी वगैरह 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 वो तमाम चीजें जो एंटिटी के जिसे कहते हैं डेफिनेशन पे पूरा उतरती है वो यहाँ आएंगी और जो ह्यूमन के डेफिनेशन पे जो जो चीज़ भी पूरी उतरती है वो इसके अंदर आएगी ओके गाइस लेस अ मिनट का मैसेज है जी तो प्लीज दोबारा ज्वाइन कीजिए हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे थैंक यू सर